हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में, जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, उसमें देखा था कि कैसे पुष्यभूति डायनेस्टी आपकी फाउंड होती है, यानी कि जो वर्धन डायनेस्टी है उसका एक दूसरा नाम है पुष्यभूति डायनेस्टी। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा फ्रेंड्स। तो ये जो है फाउंड होती है पुष्यभूति से, और उसके आगे उनके जो चौथे रूलर होते हैं, चौथे शासक होते हैं, वो आपके होते हैं प्रभाकर वर्धन, जो कि हर्षवर्धन के पिता होते हैं। तो वो आते हैं एग्जिस्टेंस में, वो गद्दी संभालते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे उनके बेटे राजवर्धन आते हैं, फिर उसके बाद राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत। तो कैसे हर्षवर्धन आकर के सिर्फ मात्र 16 साल की उम्र में गद्दी संभालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब तो मैंने कहानी आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, और उसी के दौरान उन्होंने, जब ये कामरूप जो है आपका एरिया असम का, तो यहाँ पे भास्कर वर्मन जो थे उनके दोस्त हर्षवर्धन के, तो उनके साथ मिल करके उन्होंने शशांक से, यानी कि जिसने उनकी भाई की, राजवर्धन की हत्या की थी, उससे बदला लिया था, उसे डिफ़ीट किया था। लेकिन उसका जो बंगाल वाला रीजन था, वो कहते हैं सोर्सेज के अकॉर्डिंगली कि उनके जीवित रहते वो एरिया, मतलब वो जीत नहीं पाए थे, और जब इनकी डेथ हो गई थी तब जा कर के वो एरिया उनके कंट्रोल में आया था और उस पर वो राज कर पाए थे। तो इनको मारने से पहले फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो उनकी बहन थी, सिस्टर थी राजश्री, तो वो लापता हो जाती हैं। एक्चुअली वो जब बंदी बनाई जाती हैं, तो उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती हैं। जब इनके भाई आते हैं राजवर्धन, तो वो वहाँ से भाग जाती हैं और विंध्या के जंगलों में चली जाती हैं। तो जब ये आते हैं आपके हर्षवर्धन, तो ये कहते हैं कुछ भी, मतलब मैं बदला लूँगा, मुझे बदला लेना है, लेकिन वो बदला लेने से पहले मैं अपनी बहन को ढूँढूँगा। अब और एक भिक्षु की मदद से वो जा करके विंध्या के जंगलों में उन्हें ढूंढते हैं। उन्हें कब पाते हैं? जब वो सती होने जा रही होती हैं, अपने आप को अग्नि में समर्पित करने जा रही होती हैं, तब वो उनको मिलती हैं हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन उन्हें रोक लेते हैं ऐसा करने से। फिर उसके बाद कन्नौज का सिंहासन उन्हें दे देते हैं कि तुम यहाँ पे राज करो और मैं जा कर के बदला लेता हूँ। फिर वो शशांक वाला सारा सीन होता है, और उनकी वो जो है, मतलब हत्या नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ डिफ़ीट कर देते हैं, ऐसा मतलब सोर्सेज पे, क्योंकि इतना पूरा अंपायर वो कवर कर ही लेते हैं ये सब आप जितना भी देख रहे हैं। और इसमें फ्रेंड्स, जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन था, तो इसको मतलब एग्जैक्टली जीतते नहीं है, लेकिन हाँ ये सब इन्फ्लुएंस में था इनका, और ये तो इनके अलाई थे एक तरह से, तो ये भी आप कह सकते हैं संधि में ही था। तो मतलब ये था कि ये डोमिनेट कर रहे थे, वो सब अभी हम एक्सपेंशन में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम मेनली हर्षवर्धन के एम्पायर के हम एक्सपेंशन के, और उनकी लर्निंग्स और उनके जो रिलीजियस आस्पेक्ट्स थे वो सब, बाकी उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसा क्या था, और जानेंगे कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। बाकी आप चाहेंगे तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज। तो फ्रेंड्स, जब वो गद्दी संभाल लेते हैं, उसके बाद जब बात उनके एक्सपेंशन की आती है, क्योंकि जितना भी आपने एम्पायर देखा वो सब हर्षा का ही था, हर्षवर्धन का ही था, तो ये सारा एक्सपेंशन उन्होंने ही किया था अपने राज में। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि कैसे स्ट्रैटेजीज़ के तहत, मतलब सब एक तरह से अपने स्वार्थ के लिए शादी वगैरह करते थे, या अपनी पुत्री की, अपनी बेटी की करा देते थे कि उन्हें लैंड मिल जाएगा, उस पर वो रूल कर लेंगे। तो ऐसा ही कुछ हर्षवर्धन ने भी किया था। वैसे तो फ्रेंड्स कहते हैं कि मतलब कुछ सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने शादी ही नहीं की थी, लेकिन कुछ सोर्सेज बताते हैं कि मतलब उनकी शादी हुई थी, और उनकी जो पुत्री थी उन्होंने उसकी शादी, अपनी डॉटर की शादी उन्होंने करा दी थी, किससे, जो आपके ये ध्रुवसेन सेकंड थे, ध्रुवसेन द्वितीय थे, इनसे अपनी बेटी की शादी करा दी थी। और ये भी एक आप कह सकते हैं बहुत ही, मतलब स्ट्रैटेजी थी बहुत बड़ी उनकी, हर्षवर्धन की, क्योंकि वॉरियर तो वो भी अच्छे थे।
तो ये फ्रेंड्स ऐसे हुआ कि इन्होंने पहले हर्षवर्धन ने अटैक कर दिया इन पे, ठीक है, ध्रुव सिंह सेकेंड पे द्वितीय पे अटैक कर दिया, जो कि मैत्र रूलर थे, इनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन ये अटैक इनका मतलब सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोटेक्शन पा गए, जो ध्रुव सिंह थे ये प्रोटेक्शन पा गए किससे, पुलकेशिन टू से, पुलकेशिन टू से इनको प्रोटेक्शन मिल गया। ये इनके अलाय थे, इनसे इनकी संधि थी, क्योंकि ये जो एरिया था साउथ में ही था, ये साउथ में ही इनको जाना था, और डायरेक्टली तो साउथ में जा नहीं सकते थे, नर्मदा रिवर बीच में पड़ती है, तो ऐसे तो भाई पहुंच नहीं जाएंगे जब तक आपको कुछ बीच में और हेल्प ना मिले, आप कैसे क्रॉस करोगे सब, है ना। तो उस वजह से इन्होंने इन पर अटैक किया कि हम इनको अगर अपना बंदी बना लेंगे या एरिया कवर कर लेंगे तो हम कर लेंगे, बट पुलकेशिन टू ने हेल्प करी और उनकी मदद से ये बच गए, क्योंकि जो है वो जानते थे कि ये इतने पावरफुल हैं तो इनसे इतना ईजिली लड़ा नहीं जा सकता है, बिकॉज यही था मेन रीज़न। और फिर उसके बाद इसी के चलते वो मतलब ध्रुव सेन से अपनी बेटी की शादी करा देते हैं, एक चाल चलते हैं कि शादी करा देता हूँ, और ये जो वाल्लभी रीजन था ये फिर उनके कब्ज़े में आ जाता है, हर्षवर्धन के कब्ज़े में आ जाता है, ये यहाँ पे रूल करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद ये फिर से अटैक करते हैं किस पे, पुलकेशिन टू पे, और नर्मदा रिवर पे ही पुलकेशिन टू से हार जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये हर्षवर्धन हार जाते हैं इनसे, और जो कि ये आपके पुलकेशिन टू, आपको पता होगा चालुक्य डायनेस्टी के हैं, तो इनसे ये हार जाते हैं, और फिर यहीं से इनका मतलब आगे चल के पतन भी हो जाता है। और बाकी उनका एक रीज़न ये भी था कि वो बहुत बड़े दानी थे, तो ये भी थोड़ा, जो मैंने आपको बताया था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ था, तो वो यहाँ पे भी प्रेवलेंट था, मतलब फ्यूडल सिस्टम जो लैंड वाला भूदान वाला सिस्टम था वो यहाँ पे भी प्रचलित था, तो ये सब भी रीज़न था उनके पतन का, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये पुलकेशिन टू के बारे में है कि इन्होंने डिफीट किया, ये वैसे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली थी लेकिन मैं बता देती हूँ, इसके बारे में हमें ऐहोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है, ठीक है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन ही सबसे बड़ा सोर्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, पुलकेशिन टू ने चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने डिफीट कर दिया था हर्षवर्धन को। और ये ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो दिया है वो लिखा है, इनके स्कॉलर थे रवि कीर्ति स्कॉलर थे इनके, जिन्होंने ये ऐहोल इंस्क्रिप्शन दिया है। नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में और बाकी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है इस इंस्क्रिप्शन के बारे में, और इनके जो भी ये मतलब जिन्होंने लिखा है, इनके जो रचयिता हैं वो, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इनके कैपिटल की, तो जो है इनकी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी थानेसर हरियाणा में प्रेजेंटली है, तो ये कैपिटल थी पहले, लेकिन वहाँ पे कन्नौज में इनकी बहन थी, क्योंकि ये अपनी बहन को वहाँ बैठा के आए थे कि अब तुम गद्दी संभालो, ठीक है, सिंहासन तुम हैंडल करो और मैं जा कर के बदला लेता हूँ, ये सब करके चले गए थे। तो इनकी जो प्रजा थी यहाँ की जो प्रजा थी वो सिर्फ हर्षवर्धन को ही चाहती थी कि वो राजा बने, उन्हीं की जय जयकार करती रहती थी। तो उनकी बहन ने कहा कि नहीं, तुम आ करके गद्दी संभालो और मुझसे नहीं होगा, तुम ही आ करके यहाँ के अथॉरिटी देखो। तो ये अपनी कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज कर लेते हैं और मेन सेंटर बना लेते हैं उसको, हर चीज़ का प्रोडक्शन का, वहीं से रूल करते हैं, अथॉरिटी वहीं से हैंडल करते हैं सब। तो थानेश्वर से इनकी कैपिटल हो जाती है कन्नौज। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि मतलब थाने पहले कौन सी कैपिटल थी और बाद में कौन सी हो गई, इस टाइप से। और फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है, रीजन पूरा दिया हुआ है कि उन्होंने क्या क्या कवर किया था, तो नॉर्थ वेस्ट वगैरह मेजरली, और आपका पंजाब वगैरह था, सिंध वगैरह था, ये सब मतलब एग्जैक्टली थोड़े बहुत ऐसे थे कि मतलब इन्फ्लुएंस में थे। वैसे तो उनका सेंट्रल पोर्शन था नॉर्थ के, तो वो पूरे मतलब राजा बहुत बड़े माने जाते थे, उनसे बड़ा रूलर तो नॉर्थ में कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी जैसे जम्मू एंड कश्मीर और ये सब थे, तो वो सब इन्फ्लुएंस में थोड़े बहुत थे और इनका डोमिनेंस था वहाँ पे, जैसे और जो भास्कर वर्मन वाला आसाम वाला एरिया था वो सब उनके मतलब अंडर में था, अलाइड था। तो ये आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये सारे रीजन दिए हुए हैं
कि कहाँ कहाँ उनका मतलब रेन फैला हुआ था, और बाकी तो मैंने आपको मैप में भी दिखाया कि पूरा ब्रह्मपुत्र वैली नॉर्थ ईस्ट में था और अरेबियन सी को भी टच किया हुआ था। तो ये सब चीज़ें, उड़ीसा का भी कुछ पोर्शन था, मगध का भी था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब उनका जो शासनकाल था वो कैसा था। तो फ्रेंड्स जो ये हर्षवर्धन थे, तो इनके टाइम पे जैसे अभी प्रेजेंटली क्या चलता है, जुडिशियल सिस्टम चलता है, ठीक है, फिर आपका मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न इंडिया में तो जुडिशियल सिस्टम है जो कि मतलब सारे फैसले वगैरह लेता है, फिर आपकी ये लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, है ना। तो ऐसे तीन पार्ट्स में जैसे मॉडर्न टाइम में है वैसी उस टाइम में भी था। इन्होंने मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मॉडर्न डायनेस्टी का जो चंद्रगुप्त और वो सब वाला था, गुप्ता पीरियड के टाइम पे था, तो वैसे ही उन्होंने फॉलो किया हुआ था आगे, क्योंकि लेटर गुप्ताज के में ही हैं, है ना। लेटर गुप्ताज में दो पार्ट आपका चल रहा था, एक ये नॉर्थ का एरिया है और जो हर्षवर्धन का है वो नॉर्थ का एरिया है, बाकी चालुक्य वगैरह आपका जो है साउथ का है। तो ये लेटर गुप्ताज के हैं, मतलब गुप्ता पीरियड के बाद का जो डायनेस्टी रेन चल रहा है वो है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हेड होते हैं वो राजा ही होता है, मतलब हर्षवर्धन ही हेड होते हैं, जो कि सारी जिनके पास अथॉरिटी होती है सब लेने की, फैसले वगैरह और जितना भी मेजर काम होता है सब वो खुद ही हैंडल करते हैं। तो इसके साथ ही इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था, देख लीजिएगा, महाराजी धीराज का, और परम ये आपका भट्टारक होता है, तो इसका टाइटल इन्होंने ले रखा है। ये दो टाइटल्स इन्होंने लिए थे, बाकी बहुत ही बेनेवोलेंट रूलर थे, मतलब बहुत ही काइंड थे और विनम्र थे, सॉफ्ट हार्ट थे और काइंड हार्टेड थे। तो मतलब हर रिलेशन के लिए बहुत ही इनका मतलब हृदय विनम्र था, ऐसा कुछ रिजिड नहीं था रिलेशन के लिए, और सारी एनिमल्स के प्रति, मतलब जानवरों के प्रति, लोगों के प्रति बहुत ही अच्छी भावना रखते थे और बहुत ही काइंड थे। इनका जो एम्पायर था फ्रेंड्स वो डिवाइडेड था आपका, वैसी जैसे पहले हुआ करता था कि प्रोविंसेस होते थे पहले, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका सबसे छोटा विलेज में आ जाता था। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स इनको पहले के टाइम पे क्या कहा जाता था, भुक्तीस प्रोविंसेस को कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट्स को विषयास कहा जाता था, ठीक है। और इसके साथ ही जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया फ्यूडल सिस्टम वाला जो उनका मतलब गुप्ता टाइम से स्टार्ट हुआ था, ये तो गुप्ता पीरियड से ही इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। मैंने बताया था गुप्ता जो गुप्त वंश का मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे भी प्रेविलेंट था, ये तो बहुत बड़े दानी थे। अगर मतलब राजा कर्ण के बाद कोई दानवीर था तो आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन ही थे, है ना। तो ये भी इनके एक पतन का कारण बना। और कहते हैं फ्रेंड्स कि जो इनकी लास्ट सभा थी, जो आखिरी थी, लास्ट दिन भी इन्होंने अब सब कुछ दान दिया था, सब कुछ दान दे दिया था, यहाँ तक कि अपने शरीर के वस्त्र भी दान दे दिए थे। और फिर उनकी बहन ने एक कंबल टाइप समथिंग दिया था कि भाई कुछ तो ढक लो, इस टाइप से था। तो इतने बड़े ये दानी थे ऐसा कहा जाता है, ऐसे सोर्सेस से पता चलता है। और फ्रेंड्स जो रेवेन्यू सिस्टम था, इनकम का सोर्स था, वो प्राइमरी तो सबका वही एग्रीकल्चर वाला ही था, प्रोड्यूस जो मिलता था तो उसका 1/6 रहता था, 1/6 जो भी लैंड पे होता था एग्रीकल्चर लैंड पे उसका 1/6 पार्ट रहता था, जिसको भाग कहते थे, है ना। तो वही प्राइमरी सोर्स होता था इनकम का। तो ये इतने प्रॉस्पर तो नहीं थे जैसे कि आपके जो है गुप्त डायनेस्टी और अशोका टाइम पे सब था, वैसा तो नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक था। तो आगे फ्रेंड्स बात करते हैं इनकी प्रयाग असेंबली के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी और बड़ी असेंबली हुआ करती थी, जिसमें ऑलमोस्ट ये सब कुछ दान करते थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स प्रयाग असेंबली जो थी वो हर पाँचवें साल पे आपकी जो है मतलब हर्षवर्धन के जो वो पीरियड था रेन का, उसमें हर पाँचवें साल पे 5th ईयर पे ऑर्गेनाइज़ की जाती थी, मतलब रखी जाती थी सभा, और उसी सभा में वो जो है सब मतलब दान वगैरह देते थे, जितनी भी प्रजा रहती थी सबको दान दक्षिणा देते थे। और ये आपकी होती थी प्रयाग में, जो कि प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद, और अभी तो फिर से वापस से इसका नाम प्रयाग रख दिया है,
योगी जी ने, तो पहले भी प्रयाग था, फिर इलाहाबाद था जिसको इलाहाबाद भी कहते हैं, और अब फिर से प्रयाग हो गया, तो ये वहाँ पे हेल्ड होती थी। और फ्रेंड्स इसको जो है, ये जो प्रयाग असेंबली होती थी, इसको मतलब महामोक्ष काउंसिल के नाम से जाता है, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में बोलते हैं महापरिषद, है ना, तो उससे भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको कहते हैं महामोक्ष काउंसिल कहते हैं इसको, जो ये असेंबली हेल्ड होती थी। फ्रेंड्स ये जो सिक्स असेंबली थी, इसकी जो छठी असेंबली थी वो मेजरली ऑर्गेनाइज करी थी हर्षवर्धन जी ने, कन्नौज असेंबली के नाम से, किसके लिए, ह्यूनसांग के लिए, ठीक है, ह्यूनसांग के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, जो कि कौन थे, एक चाइनीज़ ट्रैवलर। तो फ्रेंड्स इनकी भी एक कहानी है ये, कि मतलब ये इंडिया आना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए ऑफकोर्स आप कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इन्होंने संस्कृत मतलब पढ़ी हुई थी, संस्कृत के बारे में पूरा अच्छे से सब डिटेल में सब किया, और फिर जब ये आकर के यहाँ पे हर्षवर्धन से ही मिलना चाहते थे, लेकिन उस टाइम वो बंगाल के एक्सपेडिशन के लिए गए हुए थे, तो इन्होंने क्या किया कि ये कुछ टाइम के लिए आसाम चले गए, कहाँ, भास्कर वर्मन के पास, जो मैंने जिनको बताया था अलाई हैं, तो उनके पास चले गए। तो जब हर्षवर्धन को पता चला, बाद में वो आए तो उन्हें पता चला कि ह्यूनसांग आए भाई, इतने बड़े स्कॉलर, क्योंकि ये नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने पूरा रह करके अध्ययन किया था, उसके बाद वहीं पे वो ये जो है मतलब पढ़ाने भी लग गए थे काफ़ी कुछ, तो उन्हें पता था कि वो कितने बड़े स्कॉलर है, तो उन्होंने कहा अरे ह्यूनसांग आए हैं तो भाई मुझसे मिलने आए थे तो क्यों नहीं मिले, अब मैं आ गया हूँ, मुझसे मिलने आके बिल्कुल मिलने। तो भाई पता चला कि वो भास्कर वर्मन के पास हैं, उनके इस समय कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भास्कर वर्मन को उन्होंने चिट्ठी लिखी एक तरह से, या फिर आप कह सकते हैं दूत वगैरह से इन्फॉर्मेशन भिजवाई कि भाई ह्यूनसांग को हमारे कोर्ट में भेज दो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा भाई मैं नहीं भेजूँगा, बिल्कुल नहीं भेजूँगा, मैं अपना सर कलम करके दे दूँगा, ठीक है, लेकिन ह्यूनसांग को नहीं भेजूँगा। तो भाई हर्षवर्धन ने कहा अच्छा भाई ऐसी बात है, तो ठीक है अपना सर तुम कलम करके दे दो। तो ये बात सुन करके उनको डर लग गया भाई, वो डर गए कि अरे हर्षवर्धन स्ट्रांग तो थे ही, तो उन्होंने फिर उसके बाद ह्यूनसांग को भेजा। ह्यूनसांग जब यहाँ पे आए तो उनके लिए इन्होंने सिक्स असेंबली, जो छठी असेंबली थी, वो ऑर्गेनाइज़ की, जो कि कन्नौज असेंबली के नाम से भी जानी जाती है। और इस असेंबली में फ्रेंड्स बहुत बड़ी असेंबली थी, इसमें अराउंड 3,000 आपके भिक्षु थे, और 3,000 आपके ब्राह्मण्स थे। और फ्रेंड्स जो हर्षवर्धन थे, हर्षा थे, इनका सॉफ्ट कॉर्नर था बुद्धिज़्म के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं रिलीजियस वाले सेक्टर में बात करूँगी, इनका बुद्धिज़्म के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही झुकाव था, थे तो वो हिंदू ही, और कन्वर्जन भी नहीं किया था उन्होंने, लेकिन झुकाव था, एक अलग से लगाव था। तो उनको जब पता चला ह्यूनसांग के बारे में तो कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गए, तो वो इसलिए उन्होंने बुलाया, उनके लिए अलग से उन्होंने असेंबली रखवाई। तो ये बात ब्राह्मण्स को नहीं हज़म हुई, ठीक है, वो थोड़ा सा जेलस फील होने लग गए, उनको जलन हो गई कि मतलब इनको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, बुद्धिज़्म को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, ऐसा क्यों। तो इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, ऐसा मतलब पता चलता है सोर्सेस से कि इन ब्राह्मण्स जो थे, जहाँ पे इनकी सभा थी, इनके पंडाल के नीचे आग लगा दी, ठीक है, वहाँ पे आग लगा दी ब्राह्मण्स ने। और जब ये बात पता चली किसको, हर्षवर्धन को, तो हर्षवर्धन ने कहा भाई एक्शन तो लेंगे, तुमने हमारे पेट्रन के, हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ ऐसा किया, और इनके साथ मतलब सभा वगैरह होने वाली थी, डिबेट वगैरह होने वाली थी, उसमें इतनी बड़ी मतलब रखी गई थी, अराउंड 18 रूलर्स सब आए थे, पूरा 20 कंट्रीज से सब, तो इतने फेमस लोग आए हुए थे सबके सब, उनके सामने ये सब कांड हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, भले ही ब्राह्मण्स हैं तो क्या एक्शन लेंगे। और ऐसा मतलब माना जाता है हर चीज़ के, एक तो हिस्ट्री में दो मत होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इतिहास एक तो संभावनाओं से और माना ही जाता है हर कुछ, जो भी हमें सोर्सेस से मिल जाए। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब अराउंड 500 ब्राह्मण्स थे, उनको या तो मार दिया था, या तो जो है, या तो उनको बोलते हैं कि मार दिए गए थे 500 ब्राह्मण्स, या फिर बोलते हैं उनको देश निकाला कर दिया गया था। अब
एग्जैक्टली फ्रेंड्स पता नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है, लेकिन एक्शन तो लिया गया था, एक्शन तो तुरंत लिया था। उसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ था कि मैंने मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसे ले लिया, क्यों ले लिया इस टाइप से। तो फ्रेंड्स ह्यून सांग, अच्छा आप मुझे बताइए, मैंने मेंशन नहीं किया है, आप मुझे बताइए कि इनकी कौन सी राइटिंग्स हैं जिसके लिए बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस राइटिंग्स है और सब कुछ इन्होंने लिखा है उसमें। तो उसमें ये बताते हैं इनकी आर्मी के बारे में कि बहुत ही स्ट्रांग थी हर्षवर्धन की आर्मी, जिसमें अराउंड 60,000 आपके जो हाथी थे लड़ाई वाले, और आपके 50,000 घुड़सवार थे, 1,00,000 आपके इन्फेंट्री थी जो वॉकिंग वाले होते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में इन्होंने बता रखा है। बाकी मुझे फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनकी राइटिंग्स के बारे में जिसके लिए फेमस हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अब सोशल कंडीशंस के बारे में कि मतलब उनके टाइम पे सोशल कंडीशंस कैसी थी। तो फ्रेंड्स वर्ण सिस्टम यहाँ पे भी जो है आपका प्रेवलेंट था, वर्ण सिस्टम वही आपका ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वाला शूद्र वाला वो सब यहाँ पे भी था। बाकी फ्रीडम जो था वेमेन के लिए वो कम ही था, ठीक है, मतलब इंटरकास्ट मैरिज वगैरह अलाउड थी, होती थी, लेकिन वेमेन के लिए जो था वो लेस ही था, है ना। इनका एम्पायर उस तरह गुप्ता वगैरह की तरह बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था, तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम था। और पर्दा सिस्टम नहीं था, पर्दा सिस्टम नहीं था वहाँ पे, लेकिन तब भी फ्रीडम कम था वुमेन को। बाकी फ्रेंड्स जो मोरालिटी थी लोगों में, मतलब ईमानदारी और चीज़ों को फॉलो करने वाली रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैसे तो हर्षवर्धन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही मतलब सज़ा वगैरह जब देते थे तो जो मार देने वाली सज़ा और सब होती थी, मृत्यु दंड वगैरह, तो वो बहुत भयानक होती थी उनकी भी। तो इस वजह से लोग मानते भी थे, कह सकते हैं आपकी वैसे भी लोग चीज़ें फॉलो करते थे वहाँ पे और सच्चाई के साथ जीते थे सब। तो ये फ्रेंड्स वहाँ पे उन्होंने बोल रखा था कि कोई कंजम्पशन नहीं होगा आपका, कोई भी मीट वगैरह नहीं खाएगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, ठीक है, नॉनवेज वगैरह खाना मना था, प्याज वगैरह का भी मेंशन था और बाकी दारू शराब वगैरह, तो मीट का तो सबसे ज़्यादा था क्योंकि रिलीजियस में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि स्लॉटर जो आपका होता है, काटा जाता है एनिमल्स को, वो सब मना था, है ना, वो मना था, वो एकदम प्रोहिबिटेड था, स्ट्रिक्टली मना था। लेकिन फ्रेंड्स जो सबसे ख़राब प्रथा थी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, आप कह सकते हैं सती प्रथा, सती प्रथा बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेवलेंट थी यहाँ पे, फैली हुई थी। और ये ऐसा मतलब कहते हैं कि हायर कास्ट में नहीं थी, रानी वगैरह कर लेती थी और प्रभाकर वर्धन की वाइफ खुद ही जो है यशोमती जी, उन्होंने खुद ही मतलब वो सती हुई थी, बाकी उनकी बेटी भी सती होने जा रही थी, वो अलग बात थी। लेकिन जो सती प्रैक्टिस ज़बरदस्ती भी कराते थे वुमेन की, तो वो थोड़ा लोअर कास्ट वगैरह में ज़्यादा होता था, है ना। तो ऐसा बोलते कि हायर कास्ट में नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड था, और इंटर कास्ट वगैरह मैरिज अलाउड थी, मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं उनके टाइम पे रिलीजियस कंडीशंस कैसी थी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि वैसे तो वो हिंदू ही थे, हिंदुइज्म फॉलो करते थे, लॉर्ड शिवा की और सूर्य देव की पूजा करते थे, उन्हें वर्शिप करते थे, लेकिन बाकी रिलीजन्स के लिए, बाकी धर्म के लिए भी उनके अंदर मतलब इक्वली जो है क्या कहते हैं जगह थी, सबको मतलब बराबरी से मानते थे। जैनिज्म के लिए भी जगह थी और बुद्धिज़्म के लिए तो मैंने आपको बताया है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था उनके हृदय में उसके लिए, और इसीलिए तो ह्यून सांग से भी कुछ ज़्यादा ही प्रभावित थे। बुद्धिज़्म के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन फ्रेंड्स सोर्सेज बताते हैं कि वो कन्वर्ट नहीं हुए थे, ठीक है, वो बुद्धिज़्म को मानते थे लेकिन वो थे हिंदू ही, कभी भी कन्वर्ट नहीं हुए थे। तो ये जो फ्रेंड्स हिंदुइज़्म का सेंटर था मेनली, वो आपका प्रयाग और बनारस था, ठीक है, हिंदुइज़्म के लिए मेनली सेंटर जो कक्ष माना गया है मेनली रीजन, तो वो प्रयाग और बनारस था। बाकी आपका जो है क्या कहते हैं बुद्धिज़्म के लिए बोला गया है कि पॉपुलर सेक्ट था वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित था, वो महायान का था, ठीक है, महायानिज़्म ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ बुद्धिज़्म का भी एक है स्टोरी है, कभी टाइम मिला तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी लॉर्ड बुद्धा पे। वैसे तो बोलते हैं कि उन्हें भगवान नहीं कहना चाहिए, काफ़ी मतलब उसमें इश्यूज़ हैं
और टिप्पणी की जाती है। तो इसके दो सेक्ट हैं बुद्धिज़्म में। ऐसा है कि एक जो है आपके हीनायान हैं, ठीक है, और एक क्या आपके महायान। तो जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने बोला था कि उनकी कभी भी मूर्ति मत बनाना, है ना। जिस दिन आपने मूर्ति बनाई तो उस दिन ही, मूर्ति बनाने पे ही के बाद ही हमारे मतलब रिलीजन का पतन ही है, समझ लीजिए सब ख़त्म। तो जो महायान थे वो मूर्ति वाले ही थे, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, है ना। और जो आपके हीनायान थे वो आपके जो है क्या कहते हैं, उनकी जो रिलीजियस सब चीज़ें थी वो पढ़ने वाले थे, है ना, वो सब रीड करने वाले थे, उनको फॉलो करने वाले थे, मूर्ति वगैरह नहीं। तो ये दो मेजर सेक्ट थे, उसके बारे में कभी टाइम मिला तो बात करेंगे। तो ये जो मूर्ति वाले थे, महायान वाला वो भी प्रचलित था इनके टाइम पे, और काफ़ी मूर्ति वगैरह बनाई जाती थी। बाकी इसकी स्टार्टिंग किसने की थी फ्रेंड्स, मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा। दो क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, प्लीज़ बताइएगा। आप लोग आंसर नहीं करते हैं, बाकी आप बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, लेकिन प्लीज़ क्वेश्चंस का भी आंसर किया करिए, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि इसकी स्टार्टिंग किसने की थी। तो फ्रेंड्स, मैंने रिलीजन के बारे में बताया आपको कि कैसे उनके यहाँ मना था एनिमल्स का स्लॉटर, जो काटना पीटना होता है, एनिमल्स की बलि देना, वो सब मना था, ठीक है। और बाकी अशोका ही की तरह इन्होंने भी जो है फ्री मील्स देने का वो किया था, फूड सप्लाई और दवाइयों का, ठीक है, फ्री वो देते थे, उसकी भी उन्होंने मतलब आप कह सकते हैं कि ये यूज़ में लाए था उन्होंने, ये जो प्रैक्टिस थी अशोका की ये यूज़ में लाए थे। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम अब इनकी जो है लर्निंग्स के बारे में, कि मतलब क्या उस रेन में जो लर्निंग थी, कैसा पीरियड था, क्या था। तो जो हर्षवर्धन थे वो अपने आप में ही खुद में एक स्कॉलर थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे, और इन्होंने 3 प्लेस भी लिखे थे, जिसमें से एक था आपका नागानंद का और रत्नावली, और तीसरा था प्रियदर्शिका, ठीक है। ये 3 प्लेस इनके ज़्यादा फेमस हैं, और बाकी इनके अंडर आपको मैंने बताया था बाणभट्ट थे, जिन्होंने इनकी हर्षचरित लिखी थी, ठीक है फ्रेंड्स, हर्षचरित इनकी बाणभट्ट ने लिखी थी, जिनके बारे में हमें पूरा सोर्स मिलता है यहीं से, ठीक है। और ये जो है 1/4 हिस्सा अपनी इनकम का एजुकेशन और लर्निंग पे ही खर्च करते थे, ठीक है फ्रेंड्स, ये इस पे ही खर्च करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हैं 25% जो होता है इनकम का 100% में से, तो ये एजुकेशन लर्निंग पे खर्च करते थे। और न्यायप्रिय इंसान थे, एजुकेशन और सबको सपोर्ट करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉफ्ट हार्टेड थे, काइंड हार्टेड थे, तो बहुत ही अच्छा इनका नेचर था, सब चीज़ को करते थे। इनके टाइम पे फ्रेंड्स जो सेंटर्स थे वो आपका जो है वल्लभी और ये दिवकारा था, और सबसे फेमस तो नालंदा यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, 2 यूनिवर्सिटीज़ थी उस टाइम पे, एक तो आपकी तक्षशिला थी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान रीजन साइड में थी, और दूसरी नालंदा। लेकिन जो तक्षशिला थी, यहाँ पे आपके हॉस्टल्स नहीं थे यहाँ पे, लेकिन नालंदा में थे, है ना। और नालंदा यूनिवर्सिटी पे तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो, सेपरेट वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसके बारे में तो जितनी बात करें कम है, बहुत ज़्यादा मतलब आप 1500 टीचर्स थे फ्रेंड्स, 10,000 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, और हर तरह की पढ़ाई होती थी, कोई भी आप कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, हर सेक्टर पे, हर फील्ड में, इतनी ज़्यादा, इतनी मतलब इम्पोर्टेंट और बड़ी विशाल, जितना भी मतलब अच्छे वर्ड्स यूज़ करें कम है इसके लिए, इतनी पॉपुलर थी। लेकिन इसे बर्बाद किया किसने, आप जानते होंगे, बख्तियार खिलजी, बहुत ही बेकार इंसान, एक ऐसा मुस्लिम जो कि हिंदुओं से इतनी नफरत करता था कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अपना सारा गुस्सा निकाल दिया और उसे जला दिया। फ्रेंड्स, कहानी है, अब सोर्सेज इतिहास का कुछ पता नहीं कुछ भी कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन हाँ कहानी है कि ऐसा एक बार मतलब बख्तियार खिलजी, इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि बख्तियार खिलजी बीमार हो जाता है, तो जब वो बीमार हो जाता है तो उस पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही होती है, और फिर यहाँ से आपके वैद्य बुलाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नफरत करता होता है हिंदुओं से,
है ना, तो उसे तो किसी भी हिंदू की शक्ल ही नहीं पसंद होती है, तो वो एक वैद्य से इलाज कैसे करवाता। तो वो जब वैद्य आया तो उससे उसने मतलब बोला कि मैं नहीं कराऊंगा, कुछ ऐसा बताओ जो जिसमें मुस्लिम या समथिंग कुछ इन्वॉल्व हो तो मैं कर लूँ। तो उस मतलब वैद्य ने ऐसा बोला कि आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान को आप पढ़िए। और कुरान को वो क्या करता था फ्रेंड्स, जो आपका सलाइवा होता है, थूक होता है, तो वो थूक लगा के पढ़ता था, है ना। तो ऐसा मानते हैं कि उस वैद्य ने उस जो है कुरान शरीफ में एक लेप लगा दिया था जिससे उसकी बीमारी ठीक हो सके, और पूरी लेप जो है उसके थूक के ज़रिए उसके शरीर में पहुंच गई, तो वो ठीक हो गया। वो ठीक हो गया और उसको जब इस बात का बाद में पता चला तो उसने बोला, अरे ये क्या बकवास है, ऐसे कैसे मुझे ठीक कर दिया। इतने ज़्यादा भाई ये लोग मतलब टैलेंटेड हैं, और ऐसा रहा तो भाई ये इतना अगर मतलब पॉपुलर हो गई, ये इतना ज़्यादा फ्लरिश कर गई, तो हम तो गए, हमारा सब तो पतन है एकदम। और ये था कौन, बख्तियार खिलजी, आपका था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी के थे फाउंडर, स्लेव डायनेस्टी वाले, तो वो उनका कमांडर था, ठीक है। तो ये मुस्लिम था, तो इसने पूरा गुस्सा जो वैद्य वाला था कि ऐसे कैसे ये लोग इतना फ्लरिश कर सकते हैं, इनके पास इतना दिमाग हो सकता है, इन्हें तो तुरंत ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी। और कहते हैं ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक जलती रही थी ये यूनिवर्सिटी। अभी तो कुछ अवशेष बचे हैं फ्रेंड्स, आप जाएंगे देखेंगे तो रिवाइव की गई है, लेकिन पहले वाली बात कहाँ है। इसकी दीवारों के बारे में फ्रेंड्स बोलते हैं कि जो दीवारें हैं वो आपकी सीमेंट वगैरह से नहीं बनी है, गन्ने के रस से, बेल के जूस से, इन सब से, आपकी जो है उड़द की दाल है, इन सब से बनी है। जो पहले एंशिएंट टाइम है फ्रेंड्स, वो ऐसे ही नहीं बना है। एंशिएंट टाइम की जितनी भी आप देख रहे हैं स्कल्पचर्स हैं, और जितनी भी बिल्डिंग हैं, जो भी सब पेंटिंग्स वगैरह हैं, सब ऐसे ही बनी हैं। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ था इंडिया में, आप जानते ही हैं। तो आप बताइएगा, मैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आगे बात करूँगी एक सेपरेट वीडियो में, अगर आपने चाहा तो। फ़िलहाल के लिए शुभरात्रि, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।